ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं जो टर्म्स बताने जा रहा हूँ वो टर्म्स आपने ज़रूर सुने होंगे। अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से वास्ता रखते हैं, चाहे आप एक इंजीनियर हों या आपका क्वालिफिकेशन कुछ भी हुआ हो, अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जॉब करते हैं या करने वाले हैं तो ये टर्म्स आपने ज़रूर सुने होंगे या आप फ्यूचर में सुनेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि वीडियो के एंड में मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हे एवरीवन, दिस इज अवर बंदा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जॉब 3 टाइप्स की होती हैं। पहला ऑनरोल, ऑफरोल एंड तीसरा पेरोल। ऑनरोल एंड पेरोल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ऑनरोल एक टेम्प्रेरी जॉब होती है जिसका टाइम लिमिटेड या बहुत कम होता है। इसमें मोस्टली अप्रेंटिसशिप को इंक्लूड किया जाता है। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा करते हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और भी इंजीनियरिंग फील्ड हो गए और भी ब्रांचेस से इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो गए, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अप्रेंटिस करते हैं तो उनको एज अ ऑन रोल जॉब मिलती है ऑटोमोबाइल कंपनीज में। ये एक टेम्प्रेरी जॉब होती है और ऑलमोस्ट 1 ईयर का टाइम ड्यूरेशन होता है इसका। एंड सिमिलरली पेरोल होता है। पेरोल में क्या होता है कि इसे कंपनी 100% पे करती है। ऑनरोल में क्या होता है, जब हम अप्रेंटिसशिप करते हैं, जब कोई स्टूडेंट अप्रेंटिसशिप करता है तो 50% पे गवर्नमेंट करती है एंड 50% कंपनी पे करती है। एंड किसी किसी केस में कंपनी भी 100% पे कर देती है। ओके, पेरोल में क्या होता है, कंपनी 100% सैलरी पे करती है एम्प्लॉय को और एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड, जिसे शॉर्ट में पीएफ बोलते हैं, पीएफ भी कटता है और डिफरेंट टाइप्स की फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं डिपेंडिंग ऑन दी कंपनीज। ओके, ये बेसिक पेरोल और ऑन रोल में डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं ऑफ रोल की, जिसे कॉन्ट्रैक्ट या थर्ड पार्टी भी कहते हैं। देखिए, ऑन रोल में जो अप्रेंटिसशिप मिलती है और जो एज अ ऑन रोल जॉब होती है, अप्रेंटिस आपको नेट्स और नैप्स के थ्रू मिल जाती है। नेट्स एंड नैप्स ये गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो स्टूडेंट्स को प्रमोट करती हैं कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस मिले एज ए अप्रेंटिस, एज ए ट्रेनी काम करके उनको एक्सपीरियंस गेन हो। अब बात करते हैं थर्ड पार्टी और ऑफ रोल की। देखिए, इसमें मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। कोई एक एम्प्लॉय है और एक्स कोई एम्प्लॉय है और वो टाटा मोटर्स कंपनी में जॉब कर रहा है, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पर है या थर्ड पार्टी पर है तो उसकी जो पेमेंट है वो थर्ड पार्टी पे करेगी। तो उसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है और जो कंपनी है उनका सिर्फ सर्विसेज का लेना देना होता है, पेमेंट का कोई लेना देना नहीं होता। उसका पेमेंट है, जो एम्प्लॉय का पेमेंट है वो थर्ड पार्टी करती है। देखिए, थर्ड पार्टी और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एजेंसी होती हैं, ये गवर्नमेंट भी हो सकती हैं और प्राइवेट भी हो सकती हैं। जैसे इंडिया फेमस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट बहुत फेमस है नीम करके, एंड प्राइवेट भी बहुत सारी एजेंसी हैं लाइक शिवशाई, कुनाल, ये पुणे में फेमस हैं। मैं पुणे में जॉब करता हूँ तो मैंने इनके नाम सुने हैं। हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट में अलग अलग एजेंसी हो सकती हैं। तो इनका क्या, कंपनी का और इन एजेंसी का, थर्ड पार्टी एजेंसीज का टाई अप होता है। कंपनीज बोलती हैं थर्ड पार्टी से
कि आप हमें इम्प्लॉय प्रोवाइड करिए और बदले में जो भी पैसे देंगे, जो भी उनका टाई अप होता है, वो हमारे काम का नहीं है अभी फ़िलहाल में, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये थे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से और जितना मैंने पढ़ा है, मैंने ट्राई किया है समझाने का कि ऑन रोल, ऑफ रोल एंड पे रोल क्या होता है। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने शुरू वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। देखिए, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मैं अभी पुणे में जॉब कर रहा हूं। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या किसी भी इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा किया है, तो आप ऑनरोल या पेरोल जॉब ही ढूंढें एंड ऑनरोल पेरोल जॉब ही करें। आप कॉन्ट्रैक्ट पर मत जाएं, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स होते हैं ऑनरोल पेरोल के, मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, बट ट्राई करें, आपको मिल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज मैं इस चैनल पर अवेयरनेस और एक्सपीरियंसेस वाली वीडियोस डालता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, खुश रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।